हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अब मैं गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी से निवेदन करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय को स्वागत स्वरूप एक पौधा भेंट करें। अब मैं कमिश्नर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन श्री हरिनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय श्रीमान अमित शाह जी, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सचिव, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अधिकारीगण, सहकर्मियों, देवियों एवं सचिव, मैं आप सभी का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम अत्यधिक व्यस्त रहता है और वे यात्रा के दौरान भी निरंतर कार्य में व्यस्त रहते हैं। इन व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए हम सर्वथा आपके आभारी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल्स प्रोग्राम का आज केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। भारत सरकार सभी भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों के लिए आवर्जन और वीजा की दोहरी प्रक्रियाओं को मजबूत और सुचारू बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की भूमिका अहम है और उनके मार्गदर्शन में इमिग्रेशन को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाई पर ले जाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। महोदय, आपके मार्गदर्शन एवं सुझावों के आलोक में ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आसान, सुरक्षित और त्वरित रूप से अप्रवासन की मंजूरी को प्रदान करने के लिए एक उल्लेखनीय कदम है। स्वचालित ई गेट के कारण इमिग्रेशन प्रोसेस में केवल 30 से 35 सेकंड का ही समय लगेगा, जो वर्तमान में इमिग्रेशन में लगने वाले समय की तुलना में 1/4 से कम है। ये प्रोजेक्ट MHA द्वारा लागू की जा रही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में भारतीय नागरिक और OCI कार्ड रखने वाले भारतीय मूल के विदेशी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभ में आवेदक MHA पोर्टल www.ftittp.mha.gov.in पर आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके पश्चात आवेदक अपना फोटोग्राफ, पासपोर्ट, वर्तमान एड्रेस प्रूफ आदि दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करेंगे और साथ में ऑनलाइन शुल्क का भी भुगतान करेंगे। इस आवेदन की प्राप्ति के पश्चात उसे अप्रवासन ब्यूरो द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और आवेदक को पंजीकरण की सूचना SMS या मेल दोनों द्वारा दी जाएगी। इस कार्य प्रणाली के लिए आज वेब पोर्टल को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इस सुविधा के अंतर्गत T3 IGI हवाई अड्डे दिल्ली के आगमन और प्रस्थान टर्मिनल पर 4-4 ई गेट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 7 अन्य हवाई अड्डों मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, अहमदाबाद और कोलकाता में ई गेट की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। इन शब्दों के साथ अब मैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो वेब पोर्टल का अनावरण करने की कृपा करें। धन्यवाद। ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम
मिशन मोड प्रोजेक्ट IVFRT के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक दूरदर्शी पहल है, जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए सोच समझकर डिजाइन किया गया है। FTI TTP का लक्ष्य विदेश यात्रा के अनुभव को आसान, सुरक्षित और त्वरित बनाना है। यह पहल सभी के लिए विदेश यात्रा में सुविधा और दक्षता बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चरण एक, www.ftittp.mha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP के साथ अपनी पहचान प्रमाणित करें। एक बार सत्यापित होने के पश्चात अपना विवरण भरें तथा अपने पासपोर्ट की प्रतिलिपि, फोटोग्राफ और वर्तमान निवास की प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें। चरण दो, आपका आवेदन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। FTI पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष या पासपोर्ट की वैधता जो भी पहले तक होगी। कृपया ध्यान दें, पंजीकरण का प्रोसेसिंग शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए मात्र ₹2,000, नाबालिगों अर्थात 18 वर्ष से कम के लिए मात्र ₹1,000 और OCI कार्ड धारकों के लिए $100 हैं। चरण तीन, आवेदन स्वीकृत होने पर आपको बायोमेट्रिक नामांकन का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए एक अधिसूचना प्राप्त होगी। बायोमेट्रिक नामांकन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या निकटतम FRRO कार्यालय पर जा सकते हैं। चरण चार, एक बार जब आपका बायोमेट्रिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है तो आपको आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया जाएगा और एक पुष्टिकरण ईमेल और SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। चरण पाँच, ई गेट पर प्रवेश करने के लिए अपने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट को स्कैन करें। वैधता स्थापित होने के बाद ई गेट का पहला फ्लैप गेट खुलेगा। इसके पश्चात आपको फिंगरप्रिंट रीडर पर कोई भी उंगली रखनी होगी और उसके बाद फोटो लेने के लिए कहा जाएगा। इसके सत्यापित होने के बाद इमिग्रेशन मंजूरी दर्शाते हुए दूसरा फ्लैप गेट खुल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा चेकिंग से संबंधित सभी मापदंडों का ध्यान रखा गया है। इस स्वचालित ई गेट द्वारा इमिग्रेशन प्रक्रिया में 30 सेकंड का समय लगता है, जो कि वर्तमान समय से 1/4 है। गृह मंत्रालय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एवं टेक्नोलॉजी पार्टनर नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के सहयोग से आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने में तत्पर है। जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रा वास्तव में विश्व स्तरीय हो, स्वचालित ई गेट के माध्यम से यात्रा में नए युग का अनुभव करें। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। जय हिंद। के निर्देश से ये घोषणा करने के लिए निर्देश हुआ है कि ये जो हम ₹2,000 और $100 लेने की बात कर रहे हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम राइट ऑफ करते हैं, सिस्टम में पेमेंट की जरूरत नहीं है। हमारा आइडिया है कि जितने सारे लोगों को हम फैसिलिटेशन कर पाए उतना अच्छा है, तो इस पेमेंट को हम यहाँ से जीरो करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ, रिबन काटकर आज के इस कार्यक्रम में ई गेट्स का शुभारंभ करें एवं एक डेमो का अवलोकन करें।
टारगेट पर